हम मिलकर 9 फरवरी को पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में देशव्यापी प्रारंभ कर रहे हैं। लोगों ने सहयोग देकर सत्ता दी। हम रोजगार देने वाली आर्थिक नीतियां, लघु उद्योग और जीएसटी में सरलीकरण करके व्यापार को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाने वाली नीतियों की ओर देश को ले जाएंगे। प्रवीण तोगड़िया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका सोचना चाहेंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर चुनावी उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है? हिंदुस्तान की जनता ने हमें सत्ता दी तो सत्ता आने के एक सप्ताह में राम मंदिर देश में बनना शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति आपकी है और क्या आप करने जा रहे हैं 9 फरवरी को जो आप बता रहे हैं? अब की बार पब्लिक की सरकार का नारा लेकर हम देश में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर कोर्ट उन्हें मामला सौंप दे तो वो 24 घंटे के अंदर सुलझा लेंगे पूरा राम मंदिर निर्माण को। योगी जी को सत्ता में आने 2 साल हो गए हैं, बहुत 24 घंटे बीत गए, मंदिर नहीं बना, फिर भी अगले 24 घंटे में योगी जी मंदिर बनवाना शुरू करे, वह नहीं करते हैं तो मोदी जी को कह के संसद में कानून बनाए, और नहीं करते हैं तो अपना गुरु का सपना पूरा करने के लिए मोदी जी के सामने डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के साथ आंदोलन करने निकले। और जब मैं अयोध्या राम मंदिर की मांग लेकर 21, 22, 23 अक्टूबर गया था तब मुझे क्यों रोका गया, 144 क्यों लगाई, खाना क्यों फिकवा दिया? हम भी राम मंदिर के लिए निकले थे ना, हम पाकिस्तान के लिए नहीं निकले। तोगड़िया जी जिनका साफ कहना है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी राजनीतिक दल केवल बयानबाजी कर रहे हैं। भुवन चंद्र, ईटीवी भारत, मुरादाबाद।